छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। आम जनता का विरोध देखते हुए केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकारी सोसाइटी अध्यादेश 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही किसानों का धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे से खास बातचीत की है संवाददाता सत्याराज पूत ने। अमित चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। आज बैठक के मुख्य एजेंडे नागरिक संशोधन कानून था, हम मंत्री जी से जानते हैं। बैठक के एजेंडे सीए था, किस तरह का निर्णय लिया गया इसमें? बैठक में बहुत एजेंडे थे, लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा ये था। मैंने जैसे आपको अवगत कराया, छत्तीसगढ़ में सीए के विरोध में हमने मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव पारित किया है, विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये कानून, चूंकि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का, यहाँ इस प्रकार के कानून लागू करने से हम लोगों को असुविधा होने वाली है और जनमत में जो विरोध हो रहा है इसको देखते हुए ये कानून को वापस लिया जाना चाहिए। संसद में पास होने के बाद, दोनों सदन में पास होने के बाद विरोध बाद में करना कितना उचित? मुझे लगता है कि संसद अपना काम कर रही है, उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट कभी भी हो सकता है। अगर अमेंडमेंट आप ला सकते हैं तो अमेंडमेंट करके इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसलिए आग्रह करना लाजमी है। आग्रह पत्र लिखने की बात कर रहे हैं, तो ये आग्रह है कि यहाँ पे लागू नहीं करने देने की? अब हमारी भावनाओं को आप समझ रहे हैं, ये लागू तो यहाँ संभव ही नहीं है, लेकिन हम अभी प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा और बात करें तो क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए? अब खेल प्राधिकरण का है, धान की खरीदी की समीक्षा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में संशोधन का है, मंत्रिपरिषद के सारे प्रस्ताव में आपको अवगत करा चुका हूँ। तो अभी आपने मंत्री रविन्द्र चौबे को सुना, जिनका साफ कहना है कि वो आग्रह किए हैं लेकिन उनका जो भावना है वो सब जाहिर है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।